झांसी के एसएसपी कार्यालय में पत्नी साली और अन्य ससुरालियों ने एक सिपाही की जमकर धुनाई कर दी। करीब 5 सेकंड में सिपाही के ऊपर ताबड़तोड़ 12 थप्पड़ बरसाए गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो बनता देख मारने वाले आरोपी ही बीच बचाव करने लगे। वहीं ऑफिस में मारपीट के बाद अफरा तफरी मच गई। एसपी सिटी राधेश्याम राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी राधेश्याम राय ने बताया कि पीड़ित सिपाही एसएसपी ऑफिस में रिट सेल में तैनात है। वह फतेहपुर का रहने वाला है, जिसकी शादी 2017 में हुई थी। उसकी शादी 17 अप्रैल 2017 में कानपुर निवासी ग्रेसी सिंह के साथ हुई थी। दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी मायके में ही रह रही थी। 2 दिन पहले ही उसने प्रदीप के खिलाफ कानपुर में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। एसपी सिटी ने बताया कि शुक्रवार को प्रदीप की पत्नी ग्रेसी अपने भाई मुन्ना माँ समेत अन्य परिजनों के साथ एसएसपी के पास शिकायत करने आई थी। उसी समय एसएसपी ऑफिस में उसको प्रदीप नजर आ गया। इस पर दोनों पक्षों के बीच विवाद होने लगा। विवाद बढ़ने पर ससुराल वालों ने प्रदीप को घेर कर जमकर पीटा। पत्नी और सालियों ने प्रदीप को कई थप्पड़ जड़ दिए। खींचतान में प्रदीप की वर्दी फट गई। करीब 8 घंटे तक हंगामा होता रहा। पत्नी ग्रेसी सिंह प्रदीप पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एसएसपी से कार्रवाई की मांग कर रही थी। हंगामे की सूचना मिलने पर एसपी सिटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। एसपी सिटी का कहना है कि प्राथमिक तौर पर ससुराल पक्ष की गलती नजर आ रही है। मामले की जांच सीओ सदर को सौंप दी गई है। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट।